दुर्ग नगर निगम के वार्ड 58 में गार्डन की जमीन पर हुए कब्जा के खिलाफ नगर निगम के पूर्व पार्षद ने निगम महापौर को सौंपा ज्ञापन। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 58 में गार्डन की जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत को लेकर पूर्व पार्षद डी प्रकाश ने निगम महापौर धीरज बाकलीवाल को ज्ञापन सौंपा और बेजा कब्जा हटाने की मांग की। इस मौके पर पूर्व पार्षद डी प्रकाश ने बताया कि कॉलोनाइजर द्वारा स्कूल खेल मैदान व गार्डन की जमीन पर प्लॉटिंग कर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व लेआउट का हवाला देकर वर्तमान में चल रहे कब्जे को हटाने की मांग की। इस संबंध में न्यूज टीम को पूर्व पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज दुर्ग शहर में जितने भी कॉलोनाइजर एक्ट के तहत कॉलोनी का निर्माण हुआ, जहां सुरक्षित जमीन गार्डन के लिए, स्कूल के लिए, अन्य योजनाओं के लिए जो सुरक्षित रखा जाता था, आज वैसे जमीनों की बिक्री हो रही है जिसमें निर्माण चल रहा है। उसी कड़ी में एक वार्ड 58 खसरा नंबर 845 एवं 836 पर गार्डन के लिए सुरक्षित जमीन पर भेजा कब्जा करते हुए बिक्री किया गया और उस पर भवन निर्माण किया गया, जो कि अनैतिक है, जिसकी शिकायत को लेकर आज हम लोग महापौर के पास आए हैं और उनसे निवेदन किए हैं कि ये गार्डन की जमीन पर जो अतिक्रमण किया, अवैध निर्माण किया जा रहा है, उसको तत्काल जो है तोड़ा जाए। और ये पूरे शहर की स्थिति यही है कि जहाँ तहाँ भेजा अतिक्रमण चल रहा है और प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन पूरी तरह सफल है इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए। शहर को सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं अतिक्रमणधारियों से। ये 1989 में कॉलेज अप्रूव्ड लेआउट लिया गया था। जमीन सुना जाता है कि महावीर गुप्ता के नाम से दर्ज है, इसमें कोई अन्य द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।